out again. वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम माचिस का यूज करेंगे और नए नए तरीके की फोटोग्राफी करके आपको दिखलाएंगे। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके उसे सब्सक्राइब करिए, बेल घंटा बजाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हमें हमारे पहले फ़ोटो के लिए चाहिए माचिस, कैंची, गम। हमें सबसे पहले माचिस की तीलियों को जहाँ उसकी बारूद होती है वहाँ के पास से कट करना है। ध्यान रखना है, चार तीली को कट करना और एक को उसी तरीके से छोड़ना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद में जी देख लीजिए, इसके बाद हमें इसे जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में इसी तरीके से इसे चिपकाना है गम की मदद से। देखिए दोस्तों, अभी मैं ये सस्पेंस रख रहा हूँ कि ये बन क्या रहा। जब बन जाए तो आप मुझे खुद ही बताइए कि ये क्या बना है। देखिए अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कुछ कुछ एक इंसान के जैसा बना है। लेकिन आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि ये फादर्स डे जो बीता उससे इंस्पायर्ड है। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा बनने के बाद। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसे चिपकाना है और ये फाइनल तैयार है। इस तरीके का ये बन जाएगा। इसे आप कहीं पे भी अपने हिसाब से बैकग्राउंड पे रख कर के फोटो क्लिक कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अमेजिंग लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड फ़ोटो की ओर। तो चलिए जी हाँ, आपको मैं ये पहले बता दूं, ये फ़ोटो इंस्पायर्ड है अभी कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड योगा डे था। ये फ़ोटो उसी से इंस्पायर्ड है। हम इसमें योग करते हुए एक माचिस की तीलियों से फ़ोटो बनाएंगे। चलिए हमें सबसे पहले माचिस की तीलियों को एक तीली को उसके सर के पास से थोड़ा सा मोड़ना है। बाकी की चार तीली रखनी है जिसमें दो हाथ के लिए उसे मोड़ना है, हाथ के लिए बीच से, और दो तीलियों को इसी तरह छोड़ देना है। देखिए जिस तरीके से मैंने मोड़ा ये हाथ बनेगा और बाकी की देखिए, और इसे हम चिपका दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, और ये उसके घुटने। दोस्तों आप भी घर पे ट्राई करिए और बताइए कि, और आप मुझे ये भेज भी सकते हैं। मैं आपको लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपको पहले बता दूं, हमारा थर्ड फोटो हमारी सेना से इंस्पायर्ड है जो अभी लगातार चीनी सेना से लोहा ले रही है SLAC पर। और देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसे मैंने तैयार किया। आप भी कर सकते हैं, आप कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए राका फोटोग्राफी के नाम से। और अब चलते हैं हमारे चौथे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। इसके लिए मैं आपको बतला दूं, ये फोटो रथ यात्रा से इंस्पायर्ड है जो कि बड़े धूमधाम से उड़ीसा में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को रथ में निकाला जाता है। और देखिए किस तरीके से इसे मैंने बनाया है। सबसे पहले हमें
सबसे पहले रथ के चक्का के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं, या बटन ले सकते हैं, या इस तरीके का आपके पास कुछ हो तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर चारों चक्का को जोड़ देंगे, ऊपर से कुछ हम सपोर्ट के लिए रख देंगे जो कि मैंने माचिस की डब्बे को कटिंग करके लगाया। अब उसके बाद आप देखिए, मैं चार तीली को एक बराबर से काट रहा हूँ, जो कि चार तरह के मतलब चारों साइड के खम्भे को बनाना है। और इसे मैं जल्दी करने के लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसके बाद आप देख सक रहे हैं बिल्कुल इसके चार खम्भे तैयार हो गए। अब मैं इस पे ऊपर से सपोर्ट दे रहा हूँ चारों साइड से, ताकि आपस में जुड़े रहें। और अब मैं इसे मंदिर का गुंबद बना रहा हूँ। देखिए बिल्कुल तिरछा तिरछा करके हमें चारों साइड से गुंबद बना लेना, और उसके ऊपर एक झंडा लगा दिए, और ये हमारा तैयार हो गया। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और भी सुधार मैं कर सकूँ अपनी आगे आने वाली वीडियो में। चलते हैं हमारे आखिरी फोटो की ओर। आप देख सक रहे हैं इसमें तीरंदाजी करते हुए एक फोटो है, जो कि सिंपल है, और इसमें और दोस्तों हमारा ये फाइनल फोटो रेडी है। और आप मुझे ज़रूर बताएं इन पांचों में से आपका फेवरेट कौन रहा। आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।